कोई रिश्तेदारी नहीं थी, भाई बरादर की भी नहीं थी। इन्होंने भाग के शादी करी, हमने उसको भी स्वीकार कर लिया, चल भाग के माई लड़के ने कर लिया, चलो हम उसको भी हमने मंजूर कर लिया। 3:30 बजे गया है घर से निकल के, 4 बजे खबर आ गई। 4 बजे मैंने कही, मैंने कि लड़की मैंने कि फ़ोन कर ले, पता कर ले आ गई है नहीं आ रही, कब कितनी देर में आएगी। तो वो फ़ोन पुलिस वाले के पास मिला, पुलिस वाले से बात हुई, उन्होंने कही ऐसे ऐसे चाकू मार दिए, तुम आ जाओ, जो मर्डर कर दिया तुम्हारे, हो सकता है बीवी का भी हाथ हो। मगर सर हमें इंसाफ चाहिए, हमारा गया है, हमें भी चाहिए, हमें भी उसमें एक मरा वो चाहिए। ये अपनी घर वाली को लेने के नहीं गया था सर, बुलाया था फ़ोन करके साले ने और घर वाली ने, 3 दिन से बुला रहे थे वो उसे फ़ोन करके, तो वो कल गया लेने के लिए। तो जैसे ही लेने के नहीं गया, वहाँ पर उस पर बार कर दिया गया और उसे ख़त्म कर दिया। किसने मारा है उन्हें? ये उसके सालों ने। वहाँ इंसाफ मिलना चाहिए, जिन जिनकी साइज है उनको पकड़ा जाए। सहवाज की घर वाइफ है आयशा, इन लोगों ने बुलाया अपने घर पर, वहीं पर बुलाने के बाद उसके बाद मुझे काट कर दिया। ठीक है, इनने बोतल वोतल पिला के जमालों के बाग में बुला करके और छुरियाँ ले गए, बड़ा बड़ खून की तार है बह गई, और जब वो गिर गया तो गर्दन काट डाली उसकी। कितना बड़ा खतरनाक काम किया है, और दिल्ली पुलिस हमारी आज तक सो रही। मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उस्मानपुर में। आपको बता दें, यहां से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने निकल के आ रही है। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सहबाज बताया जा रहा है, उसकी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई है। आइए उसके परिजनों से जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेहरुन्निसा। जिसकी हत्या हुई है उसके क्या लगते हैं आप? माँ है। तो आपको पता था कि उनकी बीवी के साथ कुछ लड़ाई वगैरह चल रहा है? नहीं, कोई लड़ाई कुछ नहीं हुई थी इसकी बीवी के बिना। बस एक हफ्ते पहले चली गई थी, कोई नाराज़गी भी नहीं, कैसी भी कोई बात नहीं। उसकी बहन ने फ़ोन करा, फ़ोन से ही सोई चली गई, कह रही मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं तो काय को जा रही कि मैं अपने अब्बा को देखने जा रही हूँ। मैंने भी देखा तो इससे मेरे लड़के से पीछे पड़ने लगी, चल तुम भी चलो देखने। तो वो लड़का निकल लगा, मैं नहीं जाऊँगा, तुझे जाना, तू चली जा, मैं नहीं जा रहा। ये चली गई, इसकी बहन ने फ़ोन कर दिया, ये चली गई वहाँ घर पे इनने फ़ोन कुछ भी नहीं करा। फिर उसके एक हफ्ते तक ये रहती रही, इनने कैसी कॉल और कुछ नहीं करी। फिर इसके साले का फ़ोन आया, सारा कहने लगा कि भाई फ़ोन करता था वो साला, इससे चुप के फ़ोन करता था, इससे बहन से करता था और इससे भी करता था, लड़के से मेरे से। साला कहने लगा भाई तुम कैसे हो, ठीक हो? कि हाँ बढ़ गया, हम कहीं हैं जी, बात वो बात का होते रही। कह लगे कहाँ तुम? कि हम नहीं हैं, अब तुम्हारी बहन ऐसे गुस्से में चली गई है। कि कहाँ चली गई? कि जान पता नहीं कहाँ चली गई, हमें पता नहीं है। कि तुमने हमें नहीं बताया? कि हमने नहीं बताया तुम्हें। तो हमने फिर उससे कही, मैंने तेरी गलती है, फ़ोन आ रहा था मुझसे, जब भी मैंने कही मैंने गलती है तेरी, मैं तुझे अपने साले को बताना, जब तेरी साले से बात होती रहती थी तो साले को तू जरूर बताता। क्या हाँ, तो क्या मुझे ध्यान वो नहीं रहा, मैं अब मैं बता रहा हूँ भाई, वे ऐसे ऐसे चली गई है। क्या अच्छा, वो मैं वहाँ से बात करूँगा आयशा से बात करके, रफे दफे करके मैं तुम बुला कर तुम ले जाइए आयशा को। इतनी कह के दो दिन इतने ऐसे घुमा दिए। 2 दिन के बाद फिर कॉल आई कि ऐसा आए भाई तुम यहाँ आ जाओ, और मैं तुम्हें मेरी बात हो गई आयशा से, तो तुम आयशा को ले जाओ। तो मैं कही मैंने तो ऐसे मत जाइए अकेला, क्या पता तुझे मरवा दें। मेरे दिल में होट थी, मैंने हो सकता तुझे मरवा दें, तो क्या फिर इनने मना कर दी। फिर 3 सोमवार को फ़ोन आया कि भाई तुम आए नहीं, तो ये कह लगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मम्मी को ले आऊँ? क्या खाला को काय को ला रहा है? खाला को मत लाओ भाई, तुम अकेले आ जाओ, खाला खाम गई परेशान होंगी, जिनके मैं खाला आऊँगी वो भी है नहीं, वो भी जॉब करने गई हैं। क्या ये लोग आपके रिश्तेदार थे क्या? नहीं, कोई भाई कोई रिश्तेदारी नहीं थी उनसे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, भाई बरादर की भी नहीं थी। इन्होंने भाग के शादी करी, हमने उसको भी स्वीकार कर लिया, चल भाग के माई लड़के ने कर लिया, चल हम उसको भी हमने मंजूर कर लिया। ये 7-8 दिन जो लड़की अपने घर पे थी, तो इस दौरान सहबाज से बात हुई थी उसकी? नहीं, कोई बात नहीं हुई उससे कोई बात नहीं हुई। ये इसका साले ही कर रहा है बात तुझे। फिर उनने साले ने कल करा फ़ोन, कल 10 बजे से लेकर 3 बजे तक फ़ोन करा। तो फिर मैंने कि कहाँ जा रहा है? नहा धोया, बच्चों से पैसे ऐसे लेके आया, तो अपने सह भी ले नए कपड़े पहन के आया। मैंने कहाँ जा रहा है तू? क्या मैं बहू को बुलाने जा रहा हूँ, मैं मेरा साला फ़ोन कर रहा है,
मेरा साला फोन कर रहा है, तो मैं तो किसी को लेकर जाइए। मैंने कि मैंने मैं चलूँ कि तुम्हारी मना कर दीजिए। मुझे कह रहा है कि तू आ जा भाई, नहीं पर हम तुम दफे दफे बात हो गई है, आज से तुम्हारे संग आ जाएगी। मैंने तो किसी को ले जाइए, अकेला मत जाइए। बच्चे से इसी बच्ची से 50 रुपये ले के वो चला आया नहा धो के, फिर उसके बाद नहीं मिला। फिर अब 3:30 बजे गया घर से निकल के, 4 बजे खबर आ गई। 4 बजे मैंने कही, मैंने कि लड़की मैंने कि फ़ोन कर ले, पता कर ले आ गई है नहीं आ रही, कब कितनी देर में आएगी। तो वो फ़ोन पुलिस वाले के पास मिला, तो पुलिस वाले से बात हुई, उन्होंने कही ऐसे ऐसे चाकू मार दिए, तुम आ जाओ, जो मर्डर कर दिया तुम्हारे उसका। आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग शामिल है उनकी हत्या करने में? इसके जो घर पे आया था, साला आया था, उसका दोस्त आया था, वो साले का भी आता है, उसके साले का दोस्त का भी, 3 बहनों का हाथ है उसमें, एक उसके दोस्त का हाथ है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि, और बड़ी अम्मी का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी बीवी का भी हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं इसके बारे में तो नहीं पता, बीवी के बारे में हमसे फोन ही नहीं करा। इसकी बड़ी अम्मी का हाथ तो बड़ी अम्मी ने बिठा ला, इसकी भी इसकी एक बहन है अफसा, उसका पूरा हाथ है मरवाने में, उसका पूरा हाथ है। और बड़ी अम्मी के घर पर रुकी थी, बड़ी अम्मी ने सब इसको सलाह दी है। आप लोगों की अभी तक बात नहीं हुई लड़की से कुछ भी? अभी तक कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर कुछ लोग शक जता रहे हैं कि उनकी बीवी का भी हाथ हो सकता है इसमें। हो सकता है उसकी बीवी का हाथ, हमसे तो कोई फोन हमसे हुआ ही नहीं है बात, हो सकता है बीवी का भी हाथ हो। मगर सर हमें इंसाफ चाहिए, हमारा गया है, हमें भी चाहिए, हमें भी उसमें एक मरा वो चाहिए उसमें भी। जब तक सबर नहीं आएगा हमें, जब तक उसमें एक नहीं मरा मिलेगा हमें। पुलिस ने कहा है कि 3 लोगों को उन्होंने पकड़ा है, तो इंसाफ दे रहे हैं आपको, आप लोग खुश हैं पुलिस की कार्रवाई से? हमें इंसाफ मिल जाएगा जब तक तो खुश होंगे, इंसाफ मिल जाएगा जब खुश होंगे हम, जब तक तो खुश नहीं है जब तक तो हमें इंसाफ नहीं मिल गया। इंसाफ मिलना चाहिए, तुम कितनी बार कार्रवाई कर लो मगर इंसाफ हमें दिलवाओ। हमें न पैसा चाहिए न कौड़ी चाहिए, हमारा गया है वैसे उनके में भी एक जायजा है, या उम्र कैद की सजा हो, बस ये चाह रहे सर। जी आपका नाम क्या है? राइमा। आप क्या लगती हो? नंद लगती हूँ उनकी। आपका क्या कहना है इस घटना पर? एक महीने पहले आई थी, मेरे से लड़ाई भी हुई थी, और उनका जो अफसा आई थी घर पर आई थी, और उसका फैजान आया था, उनके बड़ी अम्मी का लड़का, तो मेरे से लड़ाई लड़के आया था, बोला था मैं बदमाशी दिखाऊंगा, तो मैंने बोला क्या बदमाशी दिखा दियो, तो आज इसने अपनी पूरी हद पूरी पार कर ली। उसका भी हाथ है, वो फैजान का भी हाथ है, समझे कह रहे थे बदमाशी दिखाऊंगा मैं। हम गांव चले गए थे अपने गांव, लौंडियों को चैलेंज दे गया, इसकी बहन भी आई थी, इसकी बड़ी अम्मी का लड़का आया था फैजान, उसका फैजान का भी हाथ है, जीसान का भी हाथ है, इसके बड़ी अम्मी के लड़कों का, एक सगे भाई का भी नाम जीसान है, बड़ी अम्मी का हाथ है, उसने बिठा रखा, और हमसे मना करें कि हमने रखा नहीं है, हमने नहीं रखा, हमारी माँ नहीं आई, हमसे मत फोन कॉल करियो, हमारे पास फोन ऑन मत करियो। और जिसके भैया ने जो आया घर पे आया था, जिसने मर्डर करा है, वो ही बता रहा है कि बड़ी अम्मी की माता। सर सबसे बड़ा रूल इनकी बड़ी अम्मी का है, इन्होंने 1 हफ्ते तक क्यों रोका? लड़की जाती अपने माँ बाप की जाती, क्यों वहाँ रोका उन्होंने? क्यों हमारे भाई को बुलाया, 2 के धागे से बुलाया? जैसी कोई बात थी, अगर तुम्हें दिख रहा है हमारी लड़की को मार रहा था, तो कंप्लेंट कर दी कोई, कहीं तो ऑब्जेक्शन उठाती, कैसे लड़की आई हुई है इतनी दिन से, कोई केस तो कर दी कि ये हमारी लड़की 11:30 बजे रात को आई है, मारा पीटी कुछ, तो एक्शन उठाती। इन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया, हमारे भाई को बुलवाया, उनका साला भी आया, आगे इतवार को उन्होंने कि भाई आप आना है, हमारी अम्मी ने भी ये बोला था कि हम आए हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, आप बता रहे खा लो, क्यों परेशान हो जाओगे आप, रहने देना भाई आएंगे ले आएंगे। अच्छा लड़की के पास तो मोबाइल होगा, तो आप लोगों ने कॉल नहीं किया? कोई मोबाइल नहीं है, वो लड़की मोबाइल अपने बड़े अम्मी से मोबाइल से कर लेती थी, और अपनी बहन के मोबाइल से, उसने जब से कॉल भी नहीं करी। क्या उम्र थी लड़की की? लड़की ऐसी 22-23 साल की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? ये मेरे भतीजे का मर्डर हुआ है। कब हुआ ये? ये कल 3 बजे। कैसे हुआ ये? 4 बजे के बीच में। ये अपनी घरवाली को लेने के नहीं गया था ससुराल, बुलाया था फोन करके साले ने, और घरवाली ने 3 दिन से बुला रहे थे वो, उसे फ़ोन करके, तो वो कल गया लेने के नहीं, तो जैसे लेने के नहीं गया वहाँ पर उस पर बार कर दिया गया और उसे ख़त्म कर दिया गया। किसने मारा है उन्हें? ये उसके सालों ने। क्यों, कुछ कारण है होगा? ये तो देखो वही बता सकते हैं, वैसे कोई नोक झोंक नहीं थी ऐसी, और इसमें जो मेन रोल है ना वो क्या नाम है, बड़ी अम्मी है एक, वो तबस्सुम नाम है उनका, उनका ज़्यादा रोल है, उन्होंने ही फ़ोन करके बुलवाया गया था, और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
बाकी और लोगों पे हुई है, तीन लोग पकड़े गए, पुलिस ने कल कार्रवाई करी, कल ही पकड़ लिया गया था तीन लोगों को। ये है मृतक के सालों का नाम क्या है जी? सालों का नाम क्या क्या है? सालों का नाम जो उसके साले थे, साले का नाम क्या था? हाँ, एक नाम सलमान, दूसरा नाम जीसान, एक का नाम राजा और एक का नाम फैजान, जो फैजान उनके बड़े अम्मी का लड़का है, और एक का नाम तो याद नहीं है। कुल कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें पाँच छः रहे हैं। तीन लोगों को पकड़ा गया जी, पाँच छः लोग आरोपी हैं इसमें, तीन लोगों को पकड़ा गया। आप लोगों ने FIR दर्ज करवाई थी? बिल्कुल। कहाँ पर करवाई थी? जाफराबाद थाना, जाफराबाद थाने में करवाई थी। तो इस केस के आयु कौन है? ये क्या नाम बताया था? इसके आयु मिथिलेश ऐसे कुछ पूरी तरह मालूम नहीं होगी, जरा घबराहट। पुलिस ने अभी तक तीन लोगों को पकड़ा है जी, कार्रवाई करी उन्होंने पूरी। अभी तीन लोगों को और पकड़ना है? हाँ, बाकी लोगों को और पकड़ना है। वो आपने पुलिस ने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सब मुस्लिम पकड़े जाएंगे जी। इससे पहले भी ऐसी घटना यहाँ पर हुई है क्या? अभी हमारे साथ तो नहीं हुई, और कोई हुई हो वैसे तो होते रहते हैं यहाँ पर। अभी एक 6 नंबर में मर्डर हुआ था जी, गौतमपुरी में मर्डर तो रोज ही हो रहे हैं यहाँ पर, रोज हो रहे हैं मर्डर। हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन हो रहे हैं। तो क्या कारण है कि यहाँ पे मर्डर हो रहा है? क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? नहीं नहीं, पुलिस कार्रवाई करती है, हमारे साथ हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी जी, और तीन लोगों को पकड़ा भी। आपका नाम क्या है? गुलफाम। आपके बेटे की हत्या हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए था, और कुछ नहीं चाहता मैं। उसकी बीवी को और उसकी पढ़िए मांगो, इन्होंने साजिश रची है। क्या नाम था आपका बेटे का? मेरे बेटे का नाम शहबाज। उम्र क्या थी? 24 साल। आप क्या लगते हैं उनके भाई? बड़ा भाई है। आपका नाम क्या है? सलमान। आपका क्या कहना है इस घटना पर? सर, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, जिन जिनकी साजिश है उनको पकड़ा जाए। मेन रोल उनकी बड़ी अम्मी है और तबस्सुम, और उसके साथ ये शहबाज की घर वाइफ है आयशा, इन लोगों ने बुलाया अपने घर पे, और वहीं पर बुलाने के बाद उसके बाद तो मुझे कांड कर दिया। पति पत्नी में लड़ाई चल रही थी क्या? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई होती तो कोई कोई एप्लीकेशन कुछ तो कर दी, रिपोर्ट कर दी। एक हफ्ते हो गया था, एक हफ्ते बाद इनका भाई आया था घर पर, संडे को आया था, तो उनका भाई और एक लड़के को लेके आया था। तो कह रहा भाई एक काम करो, जो हो गई तो हो गई, अब आयशा को समझा दूंगा, आप ले जाइए उसे, कल तुम यहाँ पर आया ना, मैं बुलाऊंगा तो आया ना। तो उस टाइम अम्मी ने ये कहा, हमारी अम्मी ने, कि एक काम करो, हम आएंगे सहवास के साथ, तो उन्होंने की खालो तुम बताना, इनको भेजना, बस इतनी बात। पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ाया, तो अभी कुछ कारण बताया कि क्यों हत्या की गई है? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। हाँ, लोग बिजी है ना अभी, हमें कुछ पता भी नहीं, वहाँ गई भी नहीं है। बॉडी लेने चले गए थे ना जी, पोस्टमार्टम से बॉडी लेने के लिए चले थे, अभी हम थाने गए नहीं है, जो हमें पूरे रीजन पता चले। अब हमने दफना करा है, अब इसके बाद में कल हम लोग जाएंगे, जब हमें पता लगेगा कि क्या करा है क्या नहीं करा। लेकिन तीन लोगों को पकड़ लिया गया जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बीन जी। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ होना चाहिए, बड़े पापा हैं, बेगुना बच्चे को मार दिया, तो इंसाफ मिलना चाहिए। और क्या, मुलजिम पकड़ना चाहिए, सारे 6 मुलजिम हैं, अभी 2-3 पकड़े गए हैं खाली। ये हमारा दोस्त था, बहुत बेस्ट फ्रेंड था हमारा, और क्या कहते हैं, कल 12 बजे करीब हमारे साथ ही था, हम आपस में बात कर रहे थे, तो हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के दिल की बात, दोस्त बेस्ट फ्रेंड होके। तो क्या कहते हैं, हमें पता लगा था, ये क्या कहते हैं, जाएंगे किसी से मिलने के लिए, तो मुझसे कह रहे थे कि मैं ताहिर थोड़ा बिजी हूँ, मेरे को कहीं पर जाना है, मेरे को शेयर पेपर मंगा के कहीं पर अपनी वाइफ को लेने जाना है। मैंने अच्छा, आपको लेकर लेकर आना है वहाँ से, तो आप चले जाना। वो उन्होंने फ़ोन करा था कि हाँ फ़ोन करा था, तो मेरे को जाना, तो मैं इतनी बात हुई थी, कल 12 बजे तक मैं अपनी गाड़ी लेके चले गया था। उसके बाद शाम को आया हूँ, तो मेरे को सुनने को मिल रही है कि इनका मर्डर हो गया है, और 6-7 मानने वाले बंदे हैं, जिन्हों को अभी 2-3 ही पकड़े गए हैं। मर्डर कैसे किया था? चाकू से मारा गया है, वहाँ पर कैमरे में साफ आया है, चाकू से मारा गया है, मुँह पर भी कुछ मारा है। हाँ, चाकू से मारा गया। मैंने फिर आके मैंने पूछा, क्या कहते हैं कि अभी तो वो मेरे हाल मेरे साथ ही था, इतनी जल्दी कैसा हो गया ये सब कुछ? तो मेरे को पता लग रहा कि लड़कीबाजी का मैटर था कुछ। हाँ, क्या लड़कीबाजी का मैटर था? ये वाइफ ने घर पे बुलाया था, धोखे से मारा गया है, धोखा ही हुआ उसे, घर पे बुला के मारा गया उसको जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी भूरे खां जी। कल 4 बजे हम पहुँचे तुम्हारे जमालों के बाग में, हमें मालूम पड़ा कि मर्डर हो गया है, तो हमारा भतीजा था, हम घटना स्थल पर पहुंचे तो बॉडी जा चुकी थी जी।
जब हमने लोगों से कहा भाई कैसे मर गया, आप लोग मोहल्ले के लोग तो बताओगे नहीं बताओगे किस तरह से मरा, तो वहाँ पर बताया कि दो जने थे इसके साथ में, उन्होंने इसको बोतल वोतल पिलाई है और इसकी छुरियाँ मारी हैं, दो लगे थे मौके पर पैरोकारी पे। मामला ये था कि आज से 5 महीने तकरीबन पहले इसकी शादी हुई थी जी। लड़की का प्रेम विवाद प्रेम में मोहब्बत से, लड़की का नाम क्या था, लड़की का क्या नाम आयशा, आयशा लड़की का नाम था आयशा, वो पार्टी जो थी वो थे धुने, ठीक है। ये हमारा भाई जो है, ये भतीजा, ये रहते हैं खड्डे वाली मस्जिद पे, इन्होंने जो है फैसला कर लिया था थाने में, कह दी लड़की ले जा हमें कोई मतलब नहीं है, तुम रखो इसको। ये रखने लगे, रखने के बाद में कागज बनाए, लिखा पड़ी हुई है बाकायदा, कोर्ट मेरी सारे काम हुए कि ले जाओ लड़की, ये ले आए, ये अपने घर पे रखते रहे। वो 8 दिन पहले चली गई अपने घर, अपने घर जाने के बाद में इन्होंने प्लान बनाया, एक तबस्सुम नाम की औरत है जिसको बड़ी अम्मी कहते हैं, मैं प्लानिंग बनाने के बाद में 4-5 10-12 जने इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद में सहवाज से बात करी कि हाँ भाई तुम आया, तो घर पे गया सहबाज, इनके यहाँ बोतल पी नाश्ता करा और सहबाज से कहा कि आप आ जाओ भाई, दूल्हा भाई कोई बात नहीं है हमारी बहन को ले आओ। उनने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इनने बोतल वोतल पिला के जमालों के बाग में बुला करके और छुरियाँ ले गए, बड़ा बड़ खून की धार है बह गई, और जब वो गिर गया तो गर्दन काट डाली उसकी। कितना बड़ा खतरनाक काम किया है, और दिल्ली पुलिस हमारी आज तक सो रही है, किसी क्राइम पे आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। 6 नंबर में मर्डर, मंगला वाली में मर्डर, जमालों के बाग में मर्डर, शास्त्री पार्क में मर्डर, आजकल इतने मर्डर हो रहे हैं, बताइए आप। हमें इंसाफ मिलने चाहिए, इन्होंने प्लानिंग के तहत लड़के को काटा है और सारे लोगों को गिरफ्तार करने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, बस यही हमारी मांग है। हमारे साथ सहबाज के दोस्त जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस मामले में। भाई सहबाज का फ़ोन आता है मेरे पास मंडल दिन 11 बजे फ़ोन आता है, तो इन्हें कहता भाई ने कहता कि भाई मेरे को कॉल कर लेना 7 बजे के टाइम, तो मैंने कहता कॉल कर लूँ, पर इसका फ़ोन स्विच ऑफ गया। फिर आधे घंटे बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, अब दोस्त है तो मजाक समझेंगे, कहेंगे भाई मजाक कर रहा होगा। फिर मैंने इसके भैया को कॉल करके देखी, फिर इसके भैया ने ऐसे बताया कि मेरे भाई का मर्डर हो गया। मैंने कहा कह रहा 5 मकलीम हुआ, मैं चलूँ अभी काम पे से आ गया फिर बात करता हूँ, देखो तो भाई मर्डर मिला था उसके, और मेरी सोमवार को मुलाकात हुई वाकई रात को, और इन्हें कहता मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगा, शाम को 7 बजे मेरी मुलाकात हुई इसके। आज आप दोस्त हैं तो आपको तो बताया होगा कि उनकी बीवी के साथ लड़ाई वगैरह चल रही है कुछ। अभी ये सारी बात मिली भगत थी उनके घर वालों की, लड़की के घर वालों की मिली भगत थी, ये जो कराए ये गलत कराए, तो इसी की किसी को ऐसा बेराम मानना चाहिए उनके घर वालों पर क्या बीत रही है, उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी, इंसान को ऐसा नहीं मानना चाहिए। आज के टाइम में मटर ऐसी चीज़ हो गई है कि जैसे सब्जी कट रही हो आलू कट रहे हो, ऐसे ऐसा हो गया मटर आज के टाइम में, लगा लो आम हो गए मटर, मरना 6 नंबर में हुआ, जाफराबाद में हुआ, हर सब जगह मटर ही हो रहे, लगा लो। तो इस चीज़ का इंसाफ चाहिए ना। ये सारे भाई अपने साहिल भाई हैं, ये भी इनके दोस्त हैं, ये इनके भाई हैं सारे, सब जितने भी खड़े ये भाई मोहल्ले के, इनके बराबर के, ये पड़ोसी भाई हैं अपने सारे। यहाँ पर इतने सारे मर्डर हो रहा है, क्या पुलिस की नाकामी है, क्या आपको क्या लगता है? ये सुनवाई होनी चाहिए ना, सुनवाई होती नहीं है, सुनवाई होगी टॉर्चर उठेगा जब भी तो कामयाब होगी। बस आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं बस, ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, बंदा हमारे साथ का गाड़ी चलाता है, हमारे साथ रहता है, फिरता है, घूमता है, लेकिन एकदम ये वारदात हो गई। हमें भी बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि 4 दिन पहले मुझसे कह रहा था कि अकरम मैं घूमने जाऊंगा, चलियो मेरे साथ। मैंने कहाँ जाएगा? कह रहा अजमेर जाएंगे। तो मैंने कहा शादी हो गई, अब कहाँ जाना हो? कह रहा कोई बात नहीं, चलेंगे अजमेर घूमने। तो एकदम बाद में पता चला कि ये वारदात हो गई उसकी। तो हमें यही होगा क्या हुआ, कैसे ये वारदात क्यों हुई है। पर जो भाई जो ये हुआ है, पर ये बहुत गलत हुआ है, ऐसे किसी को मानना नहीं चाहिए। करा तो भाई बहुत गलत करा, पर इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम तो चाहते हैं इंसाफ चाहिए, जितने भाई बोले सब खड़े, सब भाई बोले इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई, आपको भी इंसाफ चाहिए, सब भाई जितने भी है सब बोल चीख के बोलो, थोड़ा इंसाफ चाहिए हमें। आज इनके साथ है तो कल किसी और के, बस आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। भाई कहने का मतलब है भाई कोई जान ले नहीं सकता तो दे भी नहीं सकता कोई, ऐसे क्या हुआ, ये गलत करा है, हमेशा गलत होता रहेगा, यहाँ पर ये गलत काहे को हो रहा है, इसके कोई कारण होगा, कुछ तो होगी मेरे भाई जी। कोई जान दे नहीं सकता तो लेने का किसका बनता है मेरे भाई, ये तो बताओ। बस हमारा कहना यही है भाई, इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलेगा कि नहीं? इंसाफ मिलेगा भाई, मिलना चाहिए इंसाफ। हमने यहाँ पे मौजूद सहबाज के परिजनों से बात की और जानने का प्रयास किया ये घटना कैसे हुई। उनका कहना है कि सहबाज कल 4 बजे अपनी बीवी को ससुराल से लाने गया था, तभी 4 बजे इनको कॉल आता है पुलिस वाले का, और उसके बाद बताया जाता है कि
उनकी हत्या कर दी गई है। तब ये आनन फानन में वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि शहबाज एक बहुत अच्छा लड़का था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और उसकी इतनी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई है, जो बिल्कुल ही गलत बात है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें इंसाफ दिया जाना चाहिए। इनकी मांग सिर्फ है कि इंसाफ मिले और कुछ नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके बताएँ, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज़ तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा।